नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, झारखंड में दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होगी। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया है, वहीं 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। एक तरफ चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है, दूसरी ओर चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा है। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बताया और अब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को हरियाणा चुनाव जैसा न बनने दें। पैसों का खेल हो सकता है, अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, चाहे जो भी हो सरकार बदलेगी। पीएम मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से बनी ये असंवैधानिक सरकार बदलेगी। आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से हरियाणा में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछा गया। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों और शिकायतों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि अब लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कोई पेजर को उड़ा सकता है तो क्या वो ईवीएम को नहीं उड़ा सकता है। उन्होंने कहा कि पेजर और ईवीएम अलग अलग हैं और कोई कनेक्शन नहीं। हरियाणा चुनाव में ईवीएम में बैटरी की समस्या का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी की शिकायतों के संबंध में उन्होंने कहा कि हम ईवीएम पर सभी 20 शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से तथ्य दर तथ्य जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम बैटरी केवल वोटिंग के दिन ही जोड़ते हैं। जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए हैं वहां 3 स्तरीय सुरक्षा है। ये नियम मेरे शामिल होने से पहले ही से ही था, ये काम आ रहा है। बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि काउंटिंग वाले दिन कई ईवीएम की बैटरी 99% थी और इन ईवीएम में वोट बीजेपी को 70% से ज्यादा मिल रहा था और जिनकी बैटरी 60-70% थी उनमें कांग्रेस आगे थी। कांग्रेस ने कहा कि डेटा के साथ खेल किया गया था क्योंकि बैटरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन 99% धांधली बताती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस लगातार धांधली का आरोप लगाती रही है। अब फरीदाबाद से कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट नितिन सिंगला ने वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास से बात करते हुए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले राउंड के अंदर 4 बूथ थे, लोकसभा चुनाव में इन बूथों पर कांग्रेस 12-90 वोटों से जीती थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उतने ही वोटों से यानी 1290 वोटों से ही हार जाती है, जिसके बाद हमने देखा कि 14 की 14 मशीनें 99% चार्ज थीं। ये जो इलाका था ये स्लम एरिया था, कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, कभी भी आज तक यहाँ से बीजेपी नहीं जीती है। इससे पहले पानीपत के काउंटिंग एजेंट भी ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज होने को लेकर आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना था कि वोटिंग के दिन के बाद बैटरी कम होनी चाहिए थी, लेकिन 99% कैसे थी, उन्होंने कहा था कि इन्होंने गलत मैंडेट दिखाया है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले महाराष्ट्र सरकार अपनी माझी लाडकी बहना योजना को प्रचारित करने के लिए विज्ञापनों पर जी तोड़ मेहनत कर रही है, करोड़ों पैसे खर्च कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पहले महाराष्ट्र सरकार ने प्रचार के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए और जब वो उसे काफी नहीं लगे तो एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में जिला स्तरीय रैलियों के आयोजन पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ दिन पहले जारी सरकारी आदेश के मुताबिक सभी जिला कलेक्टरों को रैलियां आयोजित करने के लिए कहा गया है, जहां कम से कम 5000 महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है। रैलियों का उद्देश्य न केवल लाडकी बहना योजना बल्कि दूसरी योजनाओं को भी बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों की घोषणा आज चुनाव आयोग करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया और याचिका को लंबित मामलों के साथ टैग भी कर दिया। कर्नाटक के रहने वाले शशांक जे श्रीधर ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव से ठीक पहले फ्री वाली स्कीमों के ऐलान को रिश्वत घोषित करना चाहिए, ये वोटर्स को एक तरह से रिश्वत का झांसा देना है। इसमें ये भी कहा गया है कि फ्री की स्कीम से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर इस तरह की मुफ्त योजनाओं की घोषणा कर देती हैं और ये भी नहीं बताती हैं कि वो उनको पूरा कैसे करेंगी। याचिका में ये भी कहा गया है कि पारदर्शिता की कमी ऐसे वादों को
पूरा करने में समर्थ नहीं होती है, इससे वोटरों के साथ में धोखाधड़ी होती है। राजनयिक विवाद के बीच कनाडा ने अब भारत सरकार के खिलाफ नए और गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने आरोप लगाया कि कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में कथित शामिल होने के लिए भारत में चर्चा में है। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कनाडा ने कई सबूत भी सौंपे हैं। अमेरिका का अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत और कनाडा को लेकर रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कनाडाई अधिकारी ने कहा कि जब कनाडाई अधिकारियों ने इस बात के सबूत पेश किए कि भारत ने निज्जर की हत्या और अन्य मामलों को अंजाम देने के लिए कनाडा में विश्नोई के गिरोह के नेटवर्क को शामिल किया था, तो डोभाल ने शुरू में ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। हालांकि बाद में डोभाल ने विश्नोई के बारे में तथ्य, आंकड़े और किस्से सुनाने शुरू कर दिए और स्वीकार किया कि वो जहां भी कैद है वहां से हिंसा को अंजाम देने में सक्षम है और अपने जेल के कमरे से वो गलत काम करने के लिए कुख्यात है। अधिकारियों ने कहा कि 31 वर्षीय बिश्नोई भारत के सबसे कुख्यात माफिया सरगनाओं में से एक है, लेकिन उस पर जेल में रहते हुए सोशल मीडिया पर सरकार के साथ सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। कनाडा में भारत सरकार पर खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है। कनाडा के इन आरोपों ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और भी खटास पैदा कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें अधिकारियों ने भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। साथ ही रिपोर्ट में गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी जोड़ा गया है। पहले जब ये रिपोर्ट लिखी गई तब गृहमंत्री का नाम नहीं था, इसे बाद में अपडेट किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक निज्जर की हत्या एक अलग घटना नहीं थी बल्कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और देश की खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से किए गए एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी। एक वरिष्ठ कनाडाई अधिकारी ने कहा कि हम जानते हैं कि वो निज्जर किलिंग, अन्य हत्याओं और कनाडा में चल रही वास्तविक हिंसा में शामिल हैं। कनाडा के मुताबिक कथित तौर पर भारतीय राजनयिक खालिस्तानी आतंकियों की खुफिया जानकारी निकालते थे जिसे रॉ की ओर से इस्तेमाल किया जाता था। कनाडाई अधिकारियों का आरोप है कि सूचना लगभग टॉप लेवल से भारत को भेजी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय राजनयिकों के बीच बातचीत और संदेशों में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ के एक अधिकारी का संदर्भ है, इन्होंने ही आतंकियों पर हमले की मंजूरी थी। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट में लिखा है कि कनाडाई अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अमित शाह के रूप में की है जो मोदी के करीबी सर्कल के सदस्य हैं और गृह मामलों के मंत्री के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर कनाडाई अधिकारियों ने शनिवार को सिंगापुर में एक सीक्रेट मीटिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को शाह और अन्य सबूतों के बारे में डिटेल दी है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। इस बीच अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है ये साफ है कि भारत सरकार ने एक बुनियादी गलती की है ये सोचकर कि वो आपराधिक कामों को कनाडियन के खिलाफ कर सकते हैं, ये हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसीलिए हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके देश के नागरिकों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद के मामले में सरकार से विपक्ष को विश्वास में लेने की अपील की। जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद करती है और उपेक्षा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत कनाडा संबंधों के बीच बेहद संवेदनशील और नाजुक मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्ष एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, इसके बाद उसकी मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों ने 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की, ये सिर्फ पुलिस और सेना के पास होती है। लोगों को जो लाइसेंसी हथियार मिलते हैं वो 0.32mm की पिस्टल होती है। हत्यारों को 9mm की पिस्टल किसने दी, इस सवाल से महाराष्ट्र सरकार बच नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए शख्स रामगोपाल मिश्रा के पिता ने कहा कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उन्हें सजा मिले। उन्होंने समाचार एजेंसी NI से कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके परिवार को उजाड़ दिया है।
इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि घटना के तुरंत बाद हम वहां पहुंच गए थे। इसके बाद इस घटना के जिम्मेदार लग रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जांच जारी है। हिंसा भड़काने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंगलवार को आर्थिक सुधार एजेंडा को लेकर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिनों के अंदर विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से 228 राजनीतिक नियुक्तियां को हटाने का निर्देश दिया है। मुइज़्ज़ू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसमें 7 राज्य मंत्री, 43 उप मंत्री, 109 वरिष्ठ राजनीतिक निदेशक और 69 राजनीतिक निदेशक शामिल हैं। इसे सरकारी बजट से हर महीने 5.714 मिलियन आरएफ यानी मालदीव की मुद्रा उसकी बचत होगी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उत्तरी लेबनान में इसराइल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। इसराइल के हवाई हमले उत्तरी लेबनान के एओतो की रिहायशी इमारत पर हुए हैं। इस इलाके में ज्यादातर ईसाई लोग रहते हैं। एओतो उन इलाकों से काफी दूर है जहां इसराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान में अपने शांति रक्षक सैनिकों को नहीं हटाएगा, जबकि इसराइल ने कई बार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को वहां से अपने सैनिकों को हटा लेना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के प्रमुख जियां पियरे लेक्रोइक्स ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से कहा कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी यूनिफिल वहां अपने सैनिकों को नहीं हटाएगी। इस फैसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मिशन में आर्थिक सहयोग दे रहे देशों का पूरा समर्थन है। बता दें, रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बड़े कड़े तेवर में कहा था कि यूनिफिल अपने शांति रक्षक सैनिकों को दक्षिण लेबनान से हटा ले। उनका कहना था, ये सैनिक हिजबुल्ला लड़ाकों के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।